हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैट, CQY9 के CQY9 से रिलेटिव सैट। एक टॉपिक होता है सैट, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये करते क्यों हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको आज सेट के बारे में बताता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो दोस्तों, जो टॉपिक है वो है सेट। सेट दोस्तों ये निकल के आया है CQY9 से। CQY9 की मैंने ऑलरेडी, CQY9 क्या होता है, CQY9 में रिक्वायरमेंट क्या है, CQY9 करते कैसे हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डाल रखा है। अगर दोस्तों आपको जरूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले आप CQY9 वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप इसमें आइएगा। तो CQY9 में कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो AIAG से अप्रूव होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप से अप्रूव होता है CQY9, जो कि हीट ट्रीटमेंट के लिए होता है। हीट ट्रीटमेंट एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें हमें CQY9 की जरूरत पड़ी है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताता हूं CQY9 के अंदर एक टॉपिक होता है सेट, जो कि हमें फर्नेस में जरूरत पड़ता है, उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, सेट 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 से ही देखिए, सेट से निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, सेट का मतलब हो गया दोस्तों सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट। तो अब जैसे दोस्तों हमारे पास क्या होता है, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट। अब आप समझेंगे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम दोस्तों यही है कि उसमें जो थर्मोकपल लगे होते हैं, जो ऑक्सी प्रोब लगे होते हैं, यही सब हमारे सिस्टम है फर्नस के अंदर। यही हमें टेम्परेचर को ट्रांसफॉर्म करते हैं पीएलसी में ट्रांसफर होके हमें डिस्प्ले में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम इसमें बेसिकली जो चेक करते हैं वो हम थर्मोकपल का एक्यूरेसी चेक करते हैं। थर्माकपल स्टैंड है, आप समझ रहे हैं आप थर्माकपल क्या होता है। थर्माकपल जो होता है हमारा, वो टेम्परेचर सेंसर होता है। ऐसे ही ऑक्सीप्रोब, ऑक्सीप्रोब क्या होता है, वो हमारा हमारा फर्नस के अंदर जो जो सीपी का इन्वायरमेंट होता है वो सेंस करता है ऑक्सीप्रोब। अब थर्माकपल जो होता है, आपको पता होगा अगर आपने CQY9 पे काम कर रहे हैं या फर्नस पे काम करते हैं या आप फर्नस से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होगा कि थर्मोकपल कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो हमारा थर्मोकपल यूज होता है वो बेसिकली के टाइप का यूज होता है, जो हमारा 720 डिग्री एबव होता है। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट की। तो सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट जो होता है दोस्तों, उसका वो हम मास्टर थर्मोकपल यूज करते हैं। अब मास्टर थर्मोकपल जो होता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होना चाहिए जो आपका मास्टर थर्मोकपल होता है, जिससे हम फर्नस के अंदर वाले थर्मोकपल का टेम्परेचर वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, जैसे इसमें अलग अलग टाइप का होता है, CQY9 के स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। अगर आपका फर्नस बैच टाइप है या आपका कंटिन्यूअस है या आपका मेज बेल टाइप है, तो जैसे भी है वो सबका आपका अलग अलग उसमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस टाइप है, मेज बेल टाइप है, तो उसमें 2.5 2.5 यानी प्लस माइनस 5 डिग्री। प्लस माइनस 5 डिग्री का मतलब हो गया दोस्तों 2.5 प्लस 2.5 माइनस, टोटल ट्रेवल टाइम 5 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये जो है, अब आपको बता देता हूँ करते कैसे हैं सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट। सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट के लिए दोस्तों एक थर्मोकपल होता है जो मास्टर थर्मोकपल होता है, जिसकी जो कि प्रिसाइज होता है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दोस्तों, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना प्रिसाइज होता है। अगर आपका बैच टाइप फर्नस है तो आप 1 डिग्री का होता है। ये सब CQY9 में दिया हुआ है। मैं आपको बेसिकली यहां बताऊंगा सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट करते कैसे हैं। तो सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट के लिए दोस्तों क्या होगा, जो हमारा थर्मोकपल लगा होगा, के टाइप का लगा है, आर टाइप का लगा है। अगर आपका आर टाइप लगा हुआ है तो आप आर टाइप का मास्टर थर्मोकपल यूज करेंगे, अगर आपका के टाइप लगा हो तो आप के टाइप का मास्टर थर्मोकपल यूज करेंगे। तो बेसिकली जो मास्टर थर्मोकपल होगा वो हमारा सेंस करेगा कि जो आपका थर्माकपल जो आपके फर्नस के अंदर लगा हुआ है, वो जो पीएलसी को टेम्परेचर ट्रांसफर कर रहा है, क्या वो उतना एक्यूरेट ट्रांसफर कर रहा है या नहीं। अगर आपका सेट वैल्यू है 880 या 890 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसमें देखेंगे जो हमारा मास्टर थर्माकपल सेंस कर रहा है वो 880 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपका मेज बेल टाइप है और आपका बैच टाइप नहीं कंटिन्यूअस टाइप फर्नस है, तो उसमें 2.5 2.5 यानी टोटल टाइम टोटल टेम्परेचर 5 डिग्री का होना चाहिए, 2.5 प्लस 2.5 माइनस। ये दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है CQY9 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो दिया हुआ है प्लस माइनस 5 डिग्री, तो हम लोग क्या समझ बैठ रहे हैं कि प्लस 5 डिग्री और माइनस 5 डिग्री, टोटल टाइम 10 डिग्री, टोटल टेम्परेचर 10 डिग्री नहीं,
टोटल टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री होगा ट्रेवल टाइम 2.5 2.5। ये बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये आप एक बार जब स्टैंडर्ड उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे ये चीज मेंशन है। अगर आपका बैच टाइप है तो बैच टाइम में हमारा +5 -5, क्योंकि बैच में हम गैप देते हैं, कंटिन्यूअस में गैप नहीं देते हैं, बैच टाइप फर्नेस में हम गैप देते हैं। तो सिंपल सा यही है दोस्तों, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट, उसका एक चेकशीट होगा। चेकशीट में आप देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है मास्टर थर्माकपल की, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है मास्टर थर्माकपल, और उसके बाद आपका जो थर्माकपल फर्नेस का थर्माकपल है वो वैल्यू, उन सबको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका 2.5 प्लस माइनस 5 डिग्री में चलना चाहिए। अगर ये आपका बेटर इतना रिजल्ट बेटर है तो दोस्तों इसका मतलब योर टेस्ट इज सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट इज ओके। अदरवाइज अगर आपका जा रहा है +10 डिग्री जा रहा है, 7 डिग्री जा रहा है, 8 डिग्री जा रहा है, इन द मींस कि आपका थर्माकपल जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है, नीड टू रिप्लेस, या फिर आप उसको जो भी कराएं, रिकंडीशनिंग कराएं, रिप्लेस कराएं। हालांकि थर्माकपल का रिप्लेसमेंट ही बोलता है CQ9, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कॉस्ट सेविंग की वजह से उसको रिकंडीशनिंग करा देते हैं, लेकिन थर्माकपल जो होता है रिप्लेस ही मांगता है। वो CQ9 में दिया हुआ 1 साल 2 साल व्हाटएवर जो भी है वो उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टैंड हो गया हो, अगर आप समझ गए हो कि ये सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट क्या होता है, तो आप जरूर मुझे बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे बताएं जरूर। बट इसमें सिंपल सा एक चीज है कि सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट में आपको मास्टर थर्माकपल यूज करना है, वो आपको आप CQ9 स्टैंडर्ड उठा के देखेंगे तो आपको उसमें 1 डिग्री का प्रिसाइज होना चाहिए। 1 डिग्री का अगर आपका बैच टाइप है, अगर आप कंटिन्यूअस है तो 0.1 डिग्री होना चाहिए, इतना प्रिसाइज होना चाहिए आपका मास्टर थर्माकपल। जब आप परचेज करेंगे तो आप अलग अलग टाइप के आते हैं, पके टाइप का है तो क्या, अच्छा इसमें लेंथ भी डिसाइड होती है दोस्तों कि आपका जो थर्माकपल लगा हुआ है फर्नेस के अंदर उसके बराबर में ही होल होता है वो कितनी दूरी है, 700 mm है, 800 mm है या 900 mm है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। तो आप जो थर्माकपल यूज कर रहे हैं 750 mm का यूज कर रहे हैं या 800 mm का यूज कर रहे हैं, उसके बराबर में ही आपका मास्टर थर्माकपल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मास्टर थर्माकपल यहां लगा हुआ है और आप यहां चेक कर रहे हैं, नहीं, उसके बराबर में, एकदम बराबर में, आई थिंक 20 to 50 mm का डिस्टेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो उसी के बीच में आपको अपना मास्टर थर्माकपल को डाल के देखना है। अगर आपका बैच टाइप फर्नेस है तो आपके साइड में दिए होंगे होल, अगर आपका कंटिन्यूअस टाइप है तो उसके साइड में दिया होगा होल। तो ये दोस्तों आपको आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे दोस्तों तो मैं आपको डालूंगा TVS का वीडियो डालूंगा। और दोस्तों अभी तक मैं आपको बता रहा था सेट में मैंने आपको स्टैंडर्ड नहीं बताया दोस्तों। स्टैंडर्ड इसमें AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप क्या करता है, CQ9 कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट को सजेस्ट करता है कि आप सेट चेक करें। अब सेट आप करोगे कैसे, कौन सी स्टैंडर्ड से करोगे, तो दोस्तों ये हमारा जो सेट चेक करने का स्टैंडर्ड है ये अगर आप उठाओगे तो एरोस्पेस मटेरियल स्पेसिफिकेशन होता है AMS। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दोस्तों 2750 रिवीजन जी, F तो ऑब्सोलीट हो गया दोस्तों, अब रिवीजन जी आ गया। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप ये भी चीज अब मेंशन कर लो कि आपको AMS 2750 रिवीजन जी में जाके देखना है कि सेट के बारे में, TVS के बारे में क्या बोलता है। बाकी मैंने आज आपको सेट के बारे में इतना सा बताया हुआ है दोस्तों, तो आई होप सो कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप AMS स्टैंडर्ड भी उठा के पढ़ो देख लोगे या CQ9 का स्टैंडर्ड भी उठा के देख लोगे, तो आई होप सो कि उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो AIAG सजेस्ट करता है CQ9 बोलता है कि आप AMS को फॉलो करो, किसके लिए, सेट टेस्ट, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट को चेक करने के लिए। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको इतना क्लियर होगा। स्टैंडर्ड आप जरूर मेंशन रखिए AMS एयरोस्पेस मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अच्छा ये CQ9 जो होता है ये बेसिकली हम Tier 1 के लिए तो करते ही करते हैं। अगर हम एरोस्पेस डिफेंस किसी को भी सप्लाई करते हैं तो वो लोग इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं, इसको सेट TVS वगैरह जो भी है आपका, ये सारी चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। तो आप ये भी स्टैंडर्ड उठा के मेंशन कर सकते हो कि AMS एरोस्पेस मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ये आप जाके दोस्तों देख सकते हो, उसमें भी आपको क्लियरिटी दिया हुआ है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं अगली वीडियो में अपडेट करूं तो आपको तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।